हेलो एवरीवन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीटेक 2023 की फोर्थ लिस्ट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्थ लिस्ट में कितना कट ऑफ गया है और फिफ्थ लिस्ट कब तक आ सकती है। जो पांचवी लिस्ट है जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीटेक की, वो कब तक आ सकती है और अभी तक कट ऑफ कितना गया है, और अगला जो राउंड होगा वो रेगुलर राउंड होगा, डायरेक्ट लिस्ट आएगी या फिर स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन होगा। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन आता है तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि जामिया क्या करता है कि बहुत ही कम टाइम देता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि मैंने स्पॉट पे एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, 2022 की वीडियो है और आई थिंक अक्टूबर में हुआ था जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो अभी जो फोर्थ लिस्ट आई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उन लोगों को कब जाना है एडमिशन के लिए। और डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वन बाई वन जैसे ही लिस्ट आती रही है आपको पता ही होगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वहां पे, ठीक है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहीं पे बन जाते हैं, और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो बेसिक जो आपके पास मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, आसपास बन जाता है। तो अगर हम बात करें इस बार कट ऑफ की कि फोर्थ राउंड में कट ऑफ कितना गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया है जनरल का, वो 46,538 गया। ये कट ऑफ बहुत ही लो है अगर हम बात करें 2022 और 2021 के कंपेरिजन में। तो जामिया का क्या होता है कि जनरल का 35-36 हज़ार पे क्लोज हो जाता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग 46,000 तक जा चुका है। मुस्लिम कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 47,156 रैंक तक मिला है, और मुस्लिम वीमेन कैटेगरी में 50,824 रैंक तक मिला है। अगर हम बात करें थर्ड लिस्ट में, तो थर्ड लिस्ट में 44,000 तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला हुआ था। यह है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ। और अगर बात करें कि सारे लोगों को एडमिशन के लिए कब जाना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में सारे लोगों को जाना है 1 बजे के पहले ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं साथ में वो यहाँ पे मेंशनड है, आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बता दिया था कि जो फोर्थ लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 25 अगस्त के आसपास आ सकती है, तो आप देख सकते हैं कि 23 अगस्त आज है और लिस्ट आज आ चुकी है। अभी हम बात करते हैं स्पॉट के बारे में कि अगली जो लिस्ट होगी वो स्पॉट से होगी या रेगुलर में होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ हो गया, और बाकी इसमें अपग्रेडेशन लिस्ट भी है, जिनका भी अपग्रेड हुआ है उनको वन बाई वन वहां पर नहीं जाना है बार बार। आपको फाइनली जब आपका फाइनल अपग्रेडेशन हो जाएगा तब आप जाकर के वहां पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो जनरल में 67,406 रैंक तक गया, यानी कि 67,406 रैंक तक गया हुआ है, और मुस्लिम में 68,516 यानी कि 68,516 रैंक तक गया हुआ, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में आप देख सकते हैं 68,530 तक, और मुस्लिम वेमेन में 84,183 तक मिला हुआ, और केएम में आप देख सकते हैं 9,08,263 रैंक तक मिला हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और ब्रांचेस का डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, और इसमें अपग्रेडेशन लिस्ट भी है, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि आपका अपग्रेड हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 79,390 रैंक तक गया, 79,390 रैंक तक, और मुस्लिम कैटेगरी में 84,148 रैंक तक। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मुस्लिम कैटेगरी में 84,000 रैंक तक मिल चुका है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 86,251 रैंक तक मिला हुआ, और जेके का आप यहां पे देख सकते हैं कि 121,528 रैंक तक मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का, और उसके बाद आपको बता दें कि अगला जो पांचवा लिस्ट है वो स्पॉट से हो सकता है या फिर रेगुलर से होगा। आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहे इस टाइम, क्योंकि जामिया कुछ भी कर सकता है, जो अगला लिस्ट है वो स्पॉट से भी कर सकता है और रेगुलर से भी कर सकता है। तो जनरल का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया है वो 86,740 रैंक तक गया हुआ, यानी कि 86,740 यानी कि 86,740 रैंक तक गया हुआ है, और मुस्लिम कैटेगरी में 91,704 रैंक तक गया हुआ है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 94,522 रैंक तक मिला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मुस्लिम वीमेन में 113,467 रैंक तक मिला है, और जेके में 124,000 रैंक तक मिला हुआ, और केएम का आप देख सकते हैं कि 9,69,400 रैंक तक मिला हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, उसका डिस्कस कर लेते हैं कि एटलीस्ट फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ कितना गया सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग का आप यहां पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 90,087 रैंक तक गया है, और मुस्लिम कैटेगरी में 95,125 रैंक तक मिला है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 96,283 रैक तक मिला है, मुस्लिम वीमेन में 123,860 रैंक तक मिला है, और जामिया इंटरनल में 111,855 रैंक तक मिला, और केएम में 9,34,684 रैंक तक मिला। तो ये था कट ऑफ, और बाकी आपको मैंने बता दिया कि जिन भी लोगों का नाम आ गया उन लोगों को एडमिशन के लिए कब जाना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आपको एडमिशन के लिए जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, और जो फीस है 16,365 के राउंड वो आपको लेकर के जाना है। अगर हम बात करें जो पांचवा लिस्ट है वो रेगुलर राउंड से हो सकता है या फिर स्पॉट से हो सकता है,
तो ये कोई भी नहीं बता सकता है कि जो अगला लिस्ट है वो स्पॉट से हो सकता है या फिर रेगुलर से हो सकता है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है जामिया पे। अब होगा क्या कि इनमें से अगर ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, सीट वहां पे गए, सीट एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि वो लोग एडमिशन के लिए नहीं गए, ज्यादातर लोगों ने अगर एडमिशन नहीं लिया, तो फिर जामिया क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, उनका टाइम ज्यादा लग रहा है एडमिशन में, तो वो क्या कर सकते हैं कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि जामिया बीटेक की अगर हम बात करें, जामिया बीटेक तो 2022 में जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन आया था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जामिया बीटेक स्पॉट राउंड 2022, यानी कि ये जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ था लास्ट ईयर, वो स्पॉट रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर जो हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, लेकिन अभी तो इस साल टाइम पे हुआ है, लास्ट ईयर लेट हो गया था काउंसलिंग, इस वजह से अक्टूबर में हुआ था। तो जो अगला लिस्ट है पांचवा, वो स्पॉट से भी हो सकता है और रेगुलर से भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है जामिया पे। अब इन लोगों को जो 1 सितंबर तक का टाइम दिया गया, इसके बाद क्या होगा कि 5 सितंबर के आसपास जामिया फिफ्थ लिस्ट रिलीज कर सकता है या फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस निकाल सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि रेगुलरली जो वेबसाइट है वो विजिट करते रहना है, और आपको चैनल पे भी बने रहना है, क्योंकि क्या है कि हमारी टीम डेली सारे जितने वेबसाइट, अगर हम बात करें जामिया, AMU और UPTSC, MMUT, SBTU, सारे वेबसाइट विजिट करते हैं, तो हम लोग फौरन अपडेट करते हैं। और स्पॉट के लिए क्या होता है कि स्पॉट के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो सारे लोग अभी बिल्कुल एक्टिव रहें, और ऐसा नहीं है कि अभी फिफ्थ लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फोर्थ लिस्ट है इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी सीट खाली थी, तो जाहिर सी बात है एडमिशन अभी हो रहे हैं तभी तो इसमें सीट खाली, तभी एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी और लिस्ट आएगी। अगर हम बात करें कि कितनी लिस्ट आती है, तो आपको पता होगा कि 2022 में टोटल 6 लिस्ट आई थी, और अगर हम बात करें 2021 में तो टोटल 8 लिस्ट आई थी, तो 8 से 9 लिस्ट भी बहुत बार आ चुकी है, और 6 लिस्ट तो लास्ट ईयर आई थी। तो इसलिए क्या है कि आप लोग एक्टिव रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। अगली लिस्ट के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है या स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी अपडेट आता है, फौरन आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू।